हम राष्ट्रवादी हैं, हम इस देश को बढ़ता हुआ और मजबूत देखना चाहते हैं। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ वन फैमिली, इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड यू विल हैव टू डिसाइड हाउ इट इज टू बी गवर्न्ड। जब कभी इस युग का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास को एक कठोर निर्णय भी करना पड़ेगा कि कश्मीर को लेकर कौन सा दृष्टिकोण सही था, पंडित नेहरू का या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। और कभी ना कभी इस कठोर विषय के ऊपर इतिहास को निर्णय निश्चित रूप से करना पड़ेगा। राजनीतिक नेतृत्व कैसे बनता है, क्षमता के आधार पर बनता है या वंशवाद के आधार पर बनता है? और जब तक हम क्षमता के आधार पर बना हुआ राजनीतिक नेतृत्व ही केवल स्वीकृत होगा, इस देश के अंदर ये सिद्धांत लागू नहीं करवा देते, तब तक इस देश के अंदर लोकतंत्र का सही अर्थ नहीं निकल पाएगा। इट्स अ डिबेट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एंड द डिवोटीज एंड इफ आई सम अप द डिबेट यूजिंग समवॉट टेकिंग सम लिबर्टी विद वर्ड्स, the constitutionalists believe that first there is the supreme court and thereafter there is a god. The devotees believe otherwise. And this is a global debate which goes on. And therefore how to reconcile the two, I quite realize that there will always be gray areas left. And a reconciliation will always be a challenge. The gray areas will normally belong to the courts to interpret. That's how a society governed by a rule of law will function. But the only harmonious existence without one right extinguishing the other can be emerged on these principles. Should even one rupee of the state be spent on me, or should it be spent on the poor and the vulnerable? The answer is very clear, it should be spent on the poor and vulnerable. We have shifted the focus, and the focus is that subsidies must now be targeted. Nobody should be able to get it twice over or four times over. You should be able to identify the people who get it, and those people in a targeted manner must get the benefit, and those who are undeserving must be phased out. The government and the state will save resources, and these resources must further be spent for the welfare of those people itself who deserve it. That's the principal object. अब कम आयु से 17 साल की आयु से अब तक बीजेपी के साथ, पहले विद्यार्थी परिषद जनसंघ बीजेपी के साथ, और पिछले 45-46 वर्ष की एक एक घटना एक एक दिन के साथ जो ग्रो करने का बढ़ने का अवसर मिला, उसको समझने का अवसर मिला, तो उसका एक लाभ भी था कि आज तक कोई ऐसा शब्द या वाक्य नहीं निकला जिससे पार्टी को कभी तकलीफ हो पाए। वेरी लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ इंडिया, फ्रॉम जयप्रकाश नारायण टू मोरारजी देसाई टू वाजपेयी जी, अडवाणी जी, वी वर्क विद ऑल ऑफ देम, एंड आई थिंक देयर इज समथिंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ देम दैट यू गेट टू लर्न फ्रॉम। सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा, गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी, लौ थी, एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया।